मतलब कि नमाज फिर आज होती है ना, 6 रकात स्पेशल नमाज होती है मगरिब की नमाज के बाद वो, एंड फिर आज पूरी रात इबादत, गुनाहों से माफ़ी मिलते हैं नमाज के बाद इंशाल्लाह। अच्छी लग रही है, कलर खिलता है, बहुत अच्छी लग रही है। न्याज हो गई, नमाज हो गई, 6 रकात नमाज हो गई, सब हो गया। अभी भूख लगी है। हाँ, सयाम में बुरा मुझे बुला आप लोग से खाए। ये तो एक दो ये क्या है? हाँ, रख दो। गुजिया कैसे थी? अच्छी थी, अच्छी थी ना। हाँ, 4-5 खाई मैंने, ज्यादा नहीं खाई। आराम से खाना, कल जाओगे तो कहीं नहीं जाना। हाँ, क्या अम्मा? बढ़िया सब। हाँ, बहुत अच्छे लगा था आज ना सिमर, दोनों अच्छे लगा थे। वहाँ की आवाज की निकलती आ रही है, अच्छा लगा थे। आप कल तीन महीना कल परसों नीचे गए थे तो कहती अम्मी से नहीं मिलना, मैं अम्मा से मिला, मैं अम्मा से सीख लेना है। अम्मा बहुत अच्छी है, कहे थे। आपने खाया? हाँ, खा ली मैं। आज अम्मी ने बनाया मटन, किस खुशी में? ऐसे ही तुम्हारे लिए, और खुशी का त्योहार भी था। हाँ, तो अम्मी ने बनाया मटन, तो आज मटन खाया जाएगा, है कि नहीं? अभी 2-3 दिन मेहनत कराई है अम्मू से। किस रात में गुजिया? आपने ज्यादा मेहनत नहीं कराई है, थोड़ी सी मतलब पेटी खा रही है। मेहनत नहीं हुई है। हाँ, रात में गुजिया आपने भी कुछ बनाया है? हाँ। कुछ फ्राई करने की खुशबू आ रही है। गुलगुले बनाए। अच्छा, आपने भी बनाए? आज का रोजा देख के समझे रमजान जल्दी से आ जाए, है ना? आज मैं वही बात कर रहा था कि इस बार मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा घर पे रमजान में। ये बात तो सही है, रोज मुझे रोज ख्याल आता है, सालों से तो अच्छा लगता है। वही नहीं रहेगा तो सोना लगेगा, सालों भी नहीं रहेगी ज्यादा 10 साल में आपका। चलो कोई बात नहीं, हमारे दीपिका साथ देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबको पता है कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम 7 मंथ प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में भी जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो गया, रमज़ान का पहला रोज़ा प्रेगनेंसी में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने रोज़ा रखा है, और यहाँ पे सब दुआएं कर रहे हैं आने वाले बच्चे के लिए, पूरे परिवार के लिए। और आगे की और सारी वीडियोज़ के अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब